वी शेप होती है, वी शेप, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। सो मैं इससे आपको मेन कहूँगा कि आपको हाय गाइस, मोहन शर्मा। सो आज मैं आपको बताऊंगा बैक की बेस्ट 3 एक्सरसाइज जो मैं अपने वर्कआउट में लगाता हूँ, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन होते हैं बैक की कौन सी एक्सरसाइज लगानी चाहिए, तो मैं आपको अपनी एक्सरसाइज बताता हूँ जो मैं वर्कआउट में लगाता हूँ। सो तो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी टी बार रोज। जितनी आप रोइंग करोगे ना, उतनी आपकी बैक की कटिंग आएगी। तो गाइस, हमारी सेकंड एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। ये हमारे लैट्स के लिए होती है, तो ये हमारी बैक को वी शेप देती है, ब्रॉड करती है। जैसे आप देखते हो लोगों की लोअर बैक कम होती है और वी शेप होती है, वी शेप, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। सो मैं इससे आपको मेन कहूँगा कि आपको सीधे पकड़ने वहाँ से होती है। जैसे लोग देखते हैं कि लोगों ने ना इसको ज़्यादा ब्रॉड पता होता है, वो सोचते हैं कि इस तरह हम ब्रॉड पकड़ेंगे ना उतना एक बैक ब्रॉड होगी, तो पर ये ऐसा नहीं है। आपको शोल्डर भी पकड़नी होती है और आपको अपने हाथ ऐसे रखें, ग्रिप आपको हमेशा जब भी बैक का वर्कआउट करो उसका ग्रिप ऐसे ही रखना होता है। तो आप शोल्डर भी पकड़ोगे तो इसको ये पूरा नीचे पूरा होगा। आप इसको जितना मतलब मसल माइंड कनेक्शन बनाओगे ना, उतना बैक आपकी बनेगी। तो भाई, अब हमारी थर्ड बेस्ट एक्सरसाइज है बैक की, वो है सीटेड रोइंग। थोड़ा सा ऊपर रखना होता है इस पर, आपको ये वाला मैं वेट इसका पूरा मार देता हूँ, ये मेरे लिए कुछ नहीं होता। इसकी भी ग्रिप करनी है, ये आगे ये थी हमारी बेस्ट 3 एक्सरसाइजेस। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।